राम राम जी सभी भक्त जनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 50वां पार्ट 50। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि श्री राम भगवान सीता मैया और लक्ष्मण भगवान वन को चल पड़े हैं और इस कारण अयोध्या में काफ़ी उदासी छाई हुई है और दशरथ भगवान का तो दुख देखा ही नहीं जा रहा था। तो चलते हैं अब कथा की ओर आगे। तो श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद, आर्तनाद मतलब कि हाहाकार, हाहाकार सुना नहीं जाता था। मतलब कि इतना हाहाकार हो गया नगर में कि वो ना देखा जाता था और ना ही सुना जाता था। लंका में बुरे शकुन होने लगे और अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा आगे और जागे और सुमंत्र जी को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धर कर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखला कर और 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीतावन को देखकर डर जाए तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि सीता मैया को तो कम से कम वापिस लौटा दो, कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर और कभी ससुराल में, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राणों को सहारा मिल जाएगा और नहीं तो अंत में मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाय राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहाँ गए, जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया और सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर अयोध्या को सिर नवा कर चल पड़े। श्री रामचंद्र को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ ही हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमय काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान और कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हों, ऐसा लग रहा था उन्हें। बगीचों में वृक्ष और बेले कुम्हला रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर तो देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले में
हुए हिरण नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपी है, मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर, ये सब के सब श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हो गए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी संघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और अब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने केकई को भिलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुस्सह दवा अग्नि भयानक आग, दा अग्नि मतलब कि दाव अग्नि होती है, भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह ना सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं, अर्थात नहीं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेम वश देख कर श्री रामचंद्र जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी करुणामय हैं और प्राय पीड़ों को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत रे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम वश लोग लौटाए लौटते नहीं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, अर्थात दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए, क्योंकि वे थक चुके थे, और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई थी। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा कि हे तात, रथ की खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को हाँ किए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वे जिद पर अड़े हुए थे कि हम भी आपके साथ चलेंगे। इसीलिए श्री राम भगवान ने ऐसा सोचा। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए, और मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रामचंद्र जी चले गए। अरे देखो, श्री रामचंद्र जी चले गए, कहीं रथ को खोज नहीं पाते। सब हाय राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुंदर में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और
मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।